तो आज के सीन ये है कि ये मेरा आईफोन 7 प्लस और मैं पिछले एक साल से इस फोन को यूज कर रहा था और सोचा तो वो था बट ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं थे जिसके थ्रू मैं ये सोच सकूं कि मैं कभी आईफोन 11 प्रो परचेज कर लूंगा। और इसी के ऊपर मैंने अपना पूरा क्वेटा शूट किया है। नाउ आई हैव आईफोन 11 प्रो। ये है आईफोन 11 प्रो I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to. You can ask anything, no one's between us. ये आईफोन 11 प्रो मैं कोई पिछले 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और 4 दिन यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू बनता है। यूज़र हूँ पिछले कोई 3 साल से और 3 साल के अंदर मैंने आईफोन 6 चलाया, 7 चलाया, 7 प्लस चलाया और आईफोन X चलाया। और इन सब में सबसे बेहतरीन जो कैमरा मुझे लगा था वो था आईफोन X का। ये हम इसका कंपेरिजन सिर्फ आईफोन X से करेंगे, 7 प्लस और इन सबको हम रहने देते। तो आईफोन X में और इसमें डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, जो वाजे डिफरेंस है वो है इसका वाइड एंगल नॉर्मल कैमरा और ये इसका वाइड एंगल कैमरा। वाइड एंगल कैमरा एक गेम चेंजर तो है और ज़रूरी भी, क्योंकि डेली ब्लॉग्स के लिए जो ब्लॉगर हैं और उसके अलावा भी जो कंटेंट बनाते हैं फुल टाइम नहीं तो हाफ टाइम भी जो कंटेंट क्रिएटर हैं तो उनके लिए वाइड एंगल कैमरा ज़रूरी होता है। दूसरा और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसका जो बैक है आईफोन एक्स का जो बैक है और इसका बैक, इसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो आईफोन एक्स हमने चलाया अपना अच्छा लुक देता था, बड़ा खूबसूरत लुक देता था, बट जो ये है ये भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है क्योंकि ये मैड है। बैक से मैड मतलब चलाने में अलग ही मजा आता है, हाथ से स्लिप भी नहीं था। और 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स ये दो अलग मॉडल है। 11 प्रो वो है कि भाई हाथ में कंफर्टेबल होता है, सही नॉर्मल साइज है आईफोन एक्स के साइज से थोड़ा सा 19-20 है, बट जो 11 प्रो मैक्स है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर वजन भी ज़्यादा है। अब जब मैं इतना वाइड एंगल कर रहा हूँ तो एक शॉट वाइड एंगल का भी ले लेते हैं। तो ये है वाइड एंगल कैमरा आईफोन 11 प्रो का, क्योंकि मैंने एक्स की वीडियो पहले बनाई थी और एक्स मेरे पास अभी अवेल नहीं है। हमारे ऊपर से रोड बनाया तो आईफोन 11 प्रो का जो कैमरा वो वाइड एंगल है, अभी मेरे पास एक्स अवेलेबल नहीं है, वरना एक्स से भी मैं वीडियो ज़रूर बनाता और आपको दिखाता और वाज़ है डिफरेंस। बट मेरे पास अभी 11 प्रो है और ये नेक्स्ट, बट अभी मेरे पास 11 प्रो है और भाई पैसे पूरे कर रही है। बस ये कुछ डिफरेंस है जो मुझे दिखे, जो मुझे महसूस हो, जो मुझे पता चला जिनके बारे में। अब इसके अलावा जो डिटेल है वो और लंबी है और डिटेल में बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई भी है, मैंने अभी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैंने अभी लिया ये। इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में जो अपडेट मॉडल है वो ज़रूर लेना, क्योंकि 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स इसमें साइनेमेटिक मोड है और वो बिल्कुल अलग सीन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब वो एक कंप्लीट ब्लॉगिंग पैकेज है। तो जब तक कोई अपडेट मॉडल नहीं आता तो ये भी मेरे लिए बहुत अपडेट है भाई। ऐसा कर दो यार, इस पर भी कंटेंट बनाएंगे, आप कंटेंट देखना बस। अल्लाह हाफिज़।